अभी देखिए हमारा मोबाइल फ़ोन ऑन भी नहीं हो रहा है, तो हम लोग चार्ज करेंगे। अब ऐसी कंडीशन भाई एक बार क्या करना पड़ता है, बैटरी को डिस्कनेक्ट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? बैटरी को डिस्कनेक्ट करना पड़ता है। मोबाइल फ़ोन को चालू करेंगे। ऑन हो गया सर। ऑन हो गया। टाइम लेता है सर ये। घबरा गया डर। मैं तेरी वहाँ चुचंगे सो तेरे प्यार दी मैं चक्की हुई। अब देखो फिलहाल ऊपर ताला जैसा तो नहीं आ रहा है। नहीं सर, तो लगता है ताला चला गया। चलिए ठीक है, ताला अभी आ रहा था। ताला मतलब अभी फायर पे नहीं टूटा। ठीक, हम लोग फिर फोन को बंद करेंगे। एसपीडी था ना? हाँ एसपीडी था। खोला यूनिशॉप का? यूनिशॉप एसपीडी तो है। फिर हम लोग दोबारा ट्राई करेंगे, हो सकता है डाटा की वो हिल गया हो, एग्जीक्यूट किया हो, फिर से लगाया। एरर राइट मोड, एरर लिख रहा है। अब इसमें से एरर आ रहा है, तो एरर आने का मतलब होता है यूएसबी काम नहीं कर रहा है। जी सर। एरर अब एरर आने का मतलब होता है हम लोग इसे कर रहे हैं लेकिन डोंगल हमारा सॉफ्टवेयर तो पकड़ रहा है लेकिन कर नहीं पा रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार इस सॉफ्टवेयर को मिनिमाइज करेंगे, फिर हम लोग अनलॉक टूल ओपन करेंगे। इसी काम को हम लोग अनलॉक प्रूफ से करेंगे क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मोबाइल फोन में से लोग नहीं कर पाता लेकिन अनलॉक प्रूफ से हो जाता है। अब इसके बाद सीपीयू तो पता नहीं चल रहा है। सीपीयू पता चला होता तो एक बार मैं तो सीपीयू को तरीका पकड़ के उससे करके देखता, लेकिन अगर सीपीयू नहीं दिख रहा है तो हम फोन बोले तब सीपीयू का नंबर पता करेंगे। हम लोग कहाँ पर जाएंगे? एंट्री में जाएंगे। अच्छा नंबर क्या था? प्लस माइनस बटन दबाएंगे, डाटा केबल लगाएंगे और सॉफ्टवेयर हमारा पकड़ लेगा, सॉफ्टवेयर चालू हो जाएगा। ठीक है, डन। अब देखिए हमारे इस सॉफ्टवेयर को अनलॉक टूल ने इसको अनलॉक कर दिया।
क्यों अनलॉक कर दिया, उसमें सारा इन्फॉर्मेशन आ रहा है। पहले उसने सारे सॉफ्टवेयर को लिया, सॉफ्टवेयर लेने के बाद उसको खाली किया, खाली करने के बाद दोबारा ओके कर दिया। FRP क्या हो गया? ओके। हम लोग मोबाइल फ़ोन में देखते हैं, मोबाइल फ़ोन में दिखाइए, ये मोबाइल फ़ोन में हम लोग देखेंगे FRP टूटा कि नहीं टूटा, क्योंकि फ़ोन चालू होगा, ताला हटना चाहिए और पूरा मोबाइल फ़ोन चालू होना चाहिए। जहाँ पर जीमेल आईडी का ऑप्शन आता है वहाँ पर स्किप का ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। अगर स्किप का हाईलाइट हो जाएगा तो इसका मतलब है मोबाइल फ़ोन के अंदर FRP लॉक हमारा टूट गया। हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, अब फिलहाल ताला अभी नहीं आ रहा है, ताले से तो मुक्ति मिल गई है। नेट कनेक्ट करेंगे, वेरिफिकेशन में जाएंगे, हम लोगों ने इस सॉफ्टवेयर को UMT से तोड़ा तो उससे नहीं टूटा, लेकिन अनलॉक रूल से हमारा टूट गया। क्या हमारे मोबाइल फोन का FRP लॉक टूट गया? तो इसी तरीके से आप इसका पूरा एक बार इंस्ट्रक्शन देखें, कैसे कनेक्ट हुआ, कैसे काम किया, कैसे लॉक टूटा, वो सारी चीज़ों को समझें। और ये वीडियो मैं नेट पे भी डाल दूंगा, इसको एक बार दो बार देखना है, इससे क्या रहेगा आपको आइडिया लग जाएगा कहाँ पर जाकर कैसे कैसे तोड़ा जाता है। अगर तुम्हारे पास कल को कोई भी और भी मोबाइल फ़ोन आएंगे तो आप उनका ऐसे FRP को